आप लोग जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर एक ऐसी कंट्री भी मौजूद है जो चांद के बहुत ज्यादा करीब है। यहाँ पर ऐसे ऐसे फिजिक्स के कारनामे सर अंजाम होते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। और इस कंट्री के अंदर ऐसा क्या है कि ये चांद के इतने ज्यादा करीब है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। साउथ अमेरिका के अंदर एक कंट्री है जिसको एक्वाडोर कहा जाता है। एक्वाडोर स्पेनिश का वर्ड है और इसका इंग्लिश में मतलब द इक्वेटर होता है। आप सबको इस चीज का आइडिया होगा कि इक्वेटर लाइन किसको कहा जाता है। इक्वेटर लाइन एक ऐसी जगह है जहां पर अर्थ दो इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड होती है, एक नॉर्थ साइड और एक साउथ साइड। इसी लाइन के ऊपर ये कंट्री मौजूद है जिसको एक्वाडोर कहा जाता है। आप लोगों को याद होगा कि मैंने स्टार्ट के अंदर ये बात बोली थी कि यहां पर फिजिक्स के ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम होते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। उन्हीं में से कुछ कारनामे आपको बताने लगा। नंबर वन, कि यहाँ पर जब भी कोई टूरिस्ट आता है तो वो इस लाइन के ऊपर चलने की कोशिश करता है, लेकिन चंद कदम के बाद ही गिर जाता है। अब वो क्यों गिरता है, उसकी रीजन मे बी कि ग्रेविटी हो। और जो फिजिक्स का कारनामा यहाँ पर सर अंजाम होता है, नॉर्मली जब भी आप सिंक के अंदर पानी को पोर करते हैं तो वो या तो क्लॉकवाइज घूमता है या तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। लेकिन इस कंट्री के अंदर इस पॉइंट पर जब भी आप सिंक के अंदर पानी को पोर करेंगे, ना तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और ना ही वो क्लॉकवाइज घूमेगा, बल्कि वो स्ट्रेट पोर होगा। इस कंट्री के अंदर दोपहर 12 बजे जब आप इस पॉइंट पर आकर खड़े होंगे तो आपका शेडो मुकम्मल तौर पर गायब हो जाएगा। और यहाँ पर आपको घड़ी से टाइम का अंदाजा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर सूरज के जरिए टाइम का अंदाजा बड़े इजीली लगा सकते हैं। आप लोगों के माइंड में यहाँ पर एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये सब चीजें इस कंट्री के अंदर क्यों होती है, दूसरी कंट्रीज के अंदर क्यों नहीं होती। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी ये बात बताई है कि ये जगह इक्वेटर के ऊपर मौजूद है और इस जगह पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा वीक होती है, इसी वजह से ये चांद के बहुत ज्यादा करीब है। इक्वाडोर की स्पेशलिटी एक और भी है कि इसके अंदर दुनिया का सेकंड हाईएस्ट कैपिटल भी मौजूद है। जब आप इस तरह की इंटरेस्टिंग जगह पर रहते हैं तो वहां पर लाइफ इजी नहीं होती। यही वजह है कि इक्वाडोर के अंदर लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहां पर सूरज के करीब होने की वजह से सनबर्न बहुत इजीली हो सकता है, गर्मी भी काफी ज्यादा होती है, और चांद के भी ये करीब है तो आपको और भी बहुत सारी डिफिकल्टीज पेश आ सकती है। यहाँ पर बैटरीज बहुत ज्यादा जल्दी खत्म होती हैं, एयर प्रेशर बहुत ज्यादा लो है, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम मिलती है और ब्रीथिंग इश्यूज भी होते हैं। और दुनिया का सबसे खूबसूरत और अनटच्ड आइलैंड भी इसी कंट्री के अंदर मौजूद है, जो कि गैलापागोस आइलैंड है। इस आइलैंड के बारे में मशहूर ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा कछुआ भी इसी आइलैंड के ऊपर मौजूद है। और ये आइलैंड एक्वाडोर से 3 दिन की मुसाफत पर मौजूद है। 3 दिन की मुसाफत मतलब आप यहाँ पर बोट लेते हैं और वहाँ से आप गैलापागोस आइलैंड की तरफ जाते हैं, जिसमें आपको 3 दिन का टाइम लग जाता है। और इस आइलैंड के ऊपर तकरीबन 9000 प्लस स्पीशीज एनिमल्स की मौजूद हैं, और यहाँ पर वो एनिमल्स पाए जाते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं होते। इस आइलैंड की खास बात ये भी है कि यहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि ये ओशन के बिल्कुल सेंटर के अंदर आ जाता है। यहाँ पर जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। एक्वाडोर हर लिहाज से इंटरेस्टिंग कंट्री है, चाहे वो नेचर हो, लोग हों या फिजिक्स के कुछ कारनामे हों। जो लोग इंटरनेशनल टूर्स पर जाना चाहते हैं और उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि वो किस कंट्री के अंदर जाएँ, तो मेरा मशवरा यह है कि एक्वाडोर को जरूर विजिट करें। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।